नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों सेंसेक्स काफ़ी गिरे दोस्तों, करीब करीब 200 पॉइंट तक निफ्टी गिर गया था। अगर पूरा दिन का अगर अपन देखें, लो हाई दोस्तों है ना, पूरा लाल निशान में था। जो नीचे का जो देख रहे हैं आप है ना, लगभग लगभग 8,210 तक टच करके आया दोस्तों, और वहाँ से धीरे धीरे करके है ना वापस से थोड़ा मोमेंटम पकड़ के दोस्तों है ना, तो ऊपरी तरफ थोड़ा बंद हुआ, लेकिन फिर भी माइनस में बंद हुआ। जैसे कि अगर अपन डे ओपन और हाई देखते दोस्तों, तो करीब करीब है ना दोस्तों 200 पॉइंट का फ़र्क था। लो और हाई का देखिए दोस्तों, 404 का हाई था दोस्तों, और लो 202 तक गया था दोस्तों। तो 18,202 का जो है ना वो बेस मेंटेन रखा, 202 को 18,202 को तोड़ा नहीं है दोस्तों। तो ये क्या कारण था, ये क्यों दोस्तों अचानक से निफ्टी में इतना गिरावट आई दोस्तों, तो उसका एक मेन रीज़न है जो खबर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मनी फर्स्ट के नाम से मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ, दोनों की आईडीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो दोस्तों आते रहते हैं, जैसे कि IRCTC के बारे में दोस्तों, क्या करना है, येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों, और 2 पेनी 3 पेनी स्टॉक के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो के बाद डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो आज निफ्टी जो गिरा, जितनी गिरावट जो 200 पॉइंट की आपको देखने मिली है दोस्तों, ये रॉयटर के हवाले से खबर है दोस्तों। तो ये जो बीजो आई बैंक ऑफ जो जापान है दोस्तों ना, इसने जोल्ट दिया पूरे मार्केट को। सरप्राइजिंगली दोस्तों, इसने ना जो चेंज किया अपने येल्ड जो है, येल्ड पॉलिसी दोस्तों है ना, तो इसने कुछ ना कुछ अपने पॉइंट जो है ना दोस्तों बढ़ाया है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। द बैंक ऑफ जापान हैज शॉक द मार्केट ऑन थर्सडे विथ सरप्राइज ट्विक टू इट्स बॉन्ड यील्ड कंट्रोल दैट अलाउ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट टू राइज। थोड़ा सा इसने ना अपनी लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है, पहले तो मार्केट में बॉन्ड यील्ड कुछ मिलता नहीं दोस्तों, लगभग 0% के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसने कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ाया दोस्तों। तो उस वजह से दोस्तों है ना सरप्राइज एक मार्केट को झटका लगा। वाइल द येन एंड बॉन्ड यील्ड स्पाइक फॉलोइंग द डिसीजन, और थोड़ा सा इनके जो बॉन्ड मार्केट में थोड़ा है ना हरे निशान में भी दिखा दोस्तों, और इसी वजह से दोस्तों है ना सरप्राइजिंग थोड़ा अपने इंडियन मार्केट में भी रिस्पॉन्ड किया दोस्तों, लेकिन देर सवेर आते आते थोड़ा संभल गया दोस्तों। तो ये वो रीजन थी मेन दोस्तों, जो वहाँ के जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने थोड़ा सा रेट उनका जो थोड़ा सा हाइक किया है दोस्तों, उस वजह से दोस्तों जो इनके 10 साल के बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, जो पहले ना के बराबर ही रिटर्न देते थे दोस्तों, लेकिन थोड़ा पॉइंट जैसे कि यहाँ मेंशन कर रहा है, द बॉन्ड यील्ड 10-year bond yield moved to 50 basis point either side of it, zero target wider than the previous 25 basis point, यानी जो 0.25% का जो बढ़ा है दोस्तों, यानी 50% मिल रहा है दोस्तों। पहले तो ना के बराबर ही मिलता था 0.25, बट अभी ये 50 basis है, तो दोस्तों उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ना के बराबर ही मिलता है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों इन मार्केट में थोड़े चेंजेस देखने मिले हैं दोस्तों। थर दोस्तों, शॉर्ट अपडेट रिगार्डिंग निफ्टी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, और भी कुछ जानना हो तो। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों, और मेरे प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद।